हेलो स्टूडेंट्स, ये सी का चौथा लेक्चर है और फिर हम आप लोगों से बोलना चाहेंगे कि इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए आप इसके पहले वाले जो लेक्चर हैं 1, 2, 3 वो भी आप अवश्य देख लेंगे। इस चौथे लेक्चर में हम लोग आज फिर टोकन्स के बारे में ही जानेंगे। कुछ टोकन्स के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे और कुछ टोकन्स जो बचे हुए हैं वो इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। ओके, तो टोकन्स सी में 5 प्रकार का होता है। पहले हम लोग देखें कीवर्ड्स, फिर उसके बाद देखें आइडेंटिफायर्स और इसके बाद अब हम लोग समझ रहे हैं कॉन्फिडेंस के बारे में। ओके, कॉन्फिडेंस मतलब डाटा, मतलब वैल्यू, जो 2 प्रकार का होता है। एक वैसा कॉन्स्टेंट मतलब वैसा डाटा जिसके साथ हम जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हो, जिसको कि न्यूमेरिक बोला जाता है, जो कि नंबर होता है। और एक वैसा डाटा, वैसा वैल्यू जिसके साथ हम जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं कर सकते, जो कि नॉन न्यूमेरिक कहलाता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं पहले वाले कॉन्स्टेंट्स को, मतलब कि जो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक, न्यूमेरिक्स मतलब कि भाई आपके नंबर जिसके साथ हम लोग जोड़ घटा गुणा भाग करेंगे। ओके, ठीक है। लेकिन इस बीच फिर से एक बार हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, सी को समझना चाहते हैं, अभी तक सी के बारे में बहुत सारे उनको डाउट्स थे उसको क्लियर करना चाहते हैं, उनको भी फ़ायदे होंगे। और वो लोग जो सी को पढ़ाना चाहते हैं, सी को दूसरे को समझाना चाहते हैं, उनको भी इस लेक्चर से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, क्योंकि पढ़ाने का सिखाने का भी कुछ वे होता है, तरीका होता है। पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई आपके पास जो मैटर्स दिए गए हैं, जो मटेरियल है, बस उसको बोल देना है और बोल करके चले जाना है। पढ़ाने सिखाने का मतलब ये होता है कि नहीं भाई, आप जो पढ़ा रहे हैं सामने वाले को वो सारे चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बिल्कुल उसको वो एक्सेप्ट करना चाहिए। क्लियर? तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करेंगे। हाँ, तो हम आते हैं कॉन्स्टेंट में, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नंबर को भी कंप्यूटर 2 तरीके से देखता है। जो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स हैं, जो नंबर वाला वैल्यू है जिसके साथ हम जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हैं, कंप्यूटर उसको भी 2 नज़र से देखता है, 2 तरह से उसका फॉर्मेट तैयार करता है, 2 तरह से उसके डाटा को एक्सेप्ट करता है, 2 तरह से स्टोर करने का उसका सिस्टम है। एक वैसा नंबर जिसमें कि डेसिमल पॉइंट जो होता है वो होते हैं, और एक वैसा नंबर जिसमें कि पॉइंट नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि जिस नंबर में हम लोग पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटर उसको अलग ढंग से स्टोर करेगा, उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, उसको अलग ढंग से समझेगा। और जो नंबर है जिसमें कि हम पॉइंट इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको कंप्यूटर अलग ढंग से स्टोर करता है, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट कंप्यूटर के नज़र में अलग होता है। हमारे नज़र में भले ही सब कुछ सेम हो, लेकिन कंप्यूटर दोनों को अलग अलग ढंग से ट्रीट करता है। और यही हमको समझना है, हम क्या जानते हैं समझते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि कंप्यूटर किसी भी डाटा को कैसे ट्रीट करता है, कैसे समझता है, ये हमको समझना है। क्योंकि फिर से एक बार हम याद दिला देते हैं कि हम लोग सी को पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम लोग सी को समझ रहे हैं। और सी को समझना मुश्किल है, पढ़ना पढ़ाना आसान है। क्लियर? ठीक, तो देखते हैं न्यूमेरिक जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो नंबर वाला जो वैल्यू होता है, ठीक है, जिसको कंप्यूटर 2 तरीके से देखता है, उसमें पहला जो होगा आपका, जिसको बोला जाता है इंटीजर,
और दूसरा जो होता है वो कहलाता है रियल। मतलब कि पहले वाले जो इंटीजर है इसमें हम लोग डेसिमल पॉइंट जो पॉइंट होता है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर उसका इस्तेमाल करेंगे नंबर में तो वो इस वाले कैटेगरी में आ जाएगा, कंप्यूटर उसको इस फॉर्मेट में देखेगा, इस स्टाइल में रखेगा। ठीक, तो इंटीजर हो गया वैसा न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, जो कि या कहिए कि जिसमें पॉइंट नहीं होते हैं वो बिल्कुल होल नंबर होता है, ठीक है, और ये निगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब इंटीजर। क्लियर, तो इंटीजर बिना पॉइंट वाले नंबर को बोला जाता है। क्लियर, लेकिन ये इंटीजर भी सी में तीन प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर इसके लिए तीन व्यवस्था की हुई है, मतलब कि कंप्यूटर सी में इंटीजर को भी बिना पॉइंट वाला नंबर को भी तीन प्रकार से समझता है। क्लियर, ठीक, तो ये जो तीन प्रकार के जो समझते हैं, तो जिसमें पहला प्रकार होता है वो होता है डेसिमल के फॉर्मेट में, दूसरा होता है ऑक्टल के फॉर्मेट में, और तीसरा होता है हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में। मतलब अगर हम सिंपल बिना पॉइंट का नंबर लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, जैसे लिख दिए इस तरह से 2580 ETC, अगर हम इस फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं, पॉइंट नहीं है और इस तरह से नंबर लिखा जा रहा है, निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये सिंपल डेसिमल फॉर्मेट है। ठीक है, इसमें हम लोग 0 से लेकर 9 तक के डिजिट का इस्तेमाल करेंगे और ये आपका डेसिमल वाला इंटीजर कहलाएगा। मगर अगर हम किसी नंबर, किसी इंटीजर टाइप के नंबर जिसमें पॉइंट नहीं हो, ठीक है, अगर उसके आगे 0 लगा देते हैं, जैसे इस तरह से 0 लिख दिए 24 इस तरह से 056 ETC इस तरह से अगर लिखते हैं, तो जिस नंबर के आगे हम लोग 0 लगाते हैं कंप्यूटर तुरंत उसको दूसरे वाला नंबर समझ जाता है, मतलब इंटीजर ही है लेकिन वो दूसरे टाइप वाला हो गया, मतलब वो हो गया ऑक्टल, मतलब ऑक्टल के रूप में आप इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ऑक्टल नंबर में क्या होता है कि 0 से लेकर 7 तक के ही डिजिट का हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, तो इसमें हम लोग 0 से लेकर 7 तक के डिजिट का ही इस्तेमाल करेंगे, 8, 9 ये सारे नहीं होंगे, 8, 9 बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये सी के नज़र में एरर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इंटीजर ही है लेकिन अब 0 से स्टार्ट कर देने से इसका स्ट्रक्चर, इसका स्वभाव बदल जाता है कंप्यूटर के नज़र में। हमारे नज़र में भले ही कुछ नहीं बदलता होगा लेकिन कंप्यूटर के नज़र में इसका नेचर बदल जाता है और ये फिर कंप्यूटर के नज़र में ऑक्टल नंबर के रूप में क्लियर होता है, जाना जाता है। ओके, इसी तरह से अगर हम फिर थोड़ा सा फॉर्मेट बदल देते हैं, मतलब लिखने का तरीका बदल देते हैं, और अगर ऐसे लिखते हैं 0 के बाद x इस्तेमाल करते हैं और 256 इस तरह से लिख दिए 0x, अगर हम ABC इस तरह से लिख दिए ETC, तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल का फॉर्मेट। तो हेक्साडेसिमल के जो भी नंबर होते हैं वो इंटीजर ही होता है, मगर उसको स्टार्ट किया जाएगा इसी तरह से 0x के फॉर्मेट में। ये x आप कैपिटल स्मॉल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, कैपिटल में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके ABCD जो होते हैं वो आपको शो करेगा कैपिटल में, है ना ये, और अगर स्मॉल में इस्तेमाल करेंगे तो ये ABC आपके स्मॉल लेटर में शो करता है। तो कहने का ये मतलब है कि 0 और x से अगर हम किसी इंटीजर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो हेक्साडेसिमल के रूप में कंप्यूटर के अंदर ट्रीट किया जाता है, कंप्यूटर उसको समझता है। और हेक्सा नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक के तो डिजिट होते ही हैं, इसके अलावा 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से
ए बी सी डी ई एफ तक के, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उसी ढंग से ये नंबर आपका रिप्रेजेंट होता है। क्लियर? तो सी में जो कांस्टेंट होते हैं, जो एक टोकन है, वो कांस्टेंट्स आपके दो प्रकार के हुए, एक न्यूमेरिक हुए, एक नॉन न्यूमेरिक हुए। हम लोग पहला वाला न्यूमेरिक्स पढ़ रहे हैं और न्यूमेरिक जो होते हैं वो भी आपका दो फॉर्मेट में होता है, एक में डेसिमल पॉइंट होता है, दूसरे में नहीं होता है। जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा वो इंटीजर कहलाएगा, जिसमें डेसिमल पॉइंट होगा वो रियल कहलाएगा, और जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा जो इंटीजर होगा, कंप्यूटर उसको भी तीन प्रकार से देखता है। मतलब इंटीजर भी तीन प्रकार का होता है कंप्यूटर की नज़र में। अगर सिंपल इस तरह से हम लोग लिखते हैं तो वो डेसिमल का फॉर्मेट होता है जिसमें जीरो से लेकर के नाइन तक के डिजिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर किसी नंबर के आगे जीरो लगा देते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर में वो नंबर ऑक्टल के रूप में जाना जाता है और इस वजह से उसमें सिर्फ जीरो से लेकर के सेवन तक के डिजिट का ही इस्तेमाल करेंगे, एट नाइन इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर किसी नंबर को हम लोग जीरो एक्स से अगर स्टार्ट कर दिए तो फिर कंप्यूटर उसको हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में समझेगा और इस वजह से इसमें जीरो से लेकर के नाइन तक के डिजिट तो इस्तेमाल करेंगे ही और साथ में हेक्साडेसिमल के लिए हम लोग जो ए बी सी डी ई एफ जो इस्तेमाल करते हैं अल्फ़ाबेट्स, वो भी हम लोग इस नंबर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंटीजर, ठीक, इंटीजर और उसके डिफरेंट डिफरेंट आपका फॉर्मेट या डिफरेंट डिफरेंट उसके टाइप्स। इसी तरह से, ठीक है, हम लोग आते हैं रियल में। जब हम रियल की बात करते हैं तो ये होता है पॉइंट वाला नंबर, जितने भी पॉइंट वाला नंबर हैं। अब जितने भी पॉइंट वाले जो नंबर्स हैं वो, ठीक है, उस नंबर में, ठीक है, भी दो प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं रियल नंबर को, उस रियल नंबर में पॉइंट अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर में हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं, ठीक। जैसे एक तो आपका हो गया सिंपल, इस तरह से अगर हम देखते हैं तो एक सिंपल सिंपल फ्रैक्शनल फॉर्मेट में, जैसे कि हम 2.5 लिख रहे हैं, इसी तरह से हम लिख दिए 5.0, 75.238, etc, इस तरह से कुछ नंबर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रियल नंबर, मतलब जो कांस्टेंट है, जो रियल है, जो पॉइंट वाला है, उसको इस फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो या बहुत छोटा हो, तो फिर ऐसे नहीं लिखा जाता, बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, मान लेते हैं हम लिख रहे हैं इस तरह से 1, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और तब लिखे ऐसे, इतना बड़ा नंबर लिख रहे हैं, है ना, ठीक। इसी तरह तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसे, जैसे हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1.5 × 10^11, अगर हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, है ना। तो फिर इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग देखेंगे इतना ही आएगा, लेकिन ये फॉर्मेट थोड़ा सा लिखने के अनुसार से ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है। जस्ट इसी तरह से अगर हम ऐसे लिखें, बहुत ही छोटा नंबर लिखना चाहते हैं, जैसे ऐसे 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ऐसे करके ऐसे लिख दिए, क्लियर। तो इसको भी सुविधाजनक तौर पे लिखने का तरीका आपका होगा इसी तरह से 1.5, मगर 10^10 यहाँ पर हो जाएगा -11। तो ये
इसको, ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जनरली बुक्स वगैरह में भी, या फिर हम लोग भी इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे लाइट का वेग कितना होता है, तो लाइट का वेग लिखने के लिए आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो इस तरह से नहीं लिखा हुआ रहता है, बल्कि इस फॉर्मेट में, पावर के फॉर्मेट में लिखा रहता है। तो इस फॉर्मेट को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। ये आपका जनरल सिंपल फ्रैक्शनल फॉर्मेट में आ गया, और ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में आपका इधर वाला पार्ट, ठीक है, मैंटिसा कहलाता है, और ये वाला पार्ट आपका एक्सपोनेंट कहलाता है। लेकिन जब हम कंप्यूटर में इस तरह से इतना इतना बड़ा डाटा और इतना छोटा डाटा को इसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं, तो सी में भी, कंप्यूटर में भी ये फैसिलिटी है। लेकिन हम लोग उसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि कीबोर्ड पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कीबोर्ड पे कभी भी किसी भी लेटर के पावर के रूप में आप टाइप नहीं कर सकते। जैसे 2 to the power 2 ऐसे लिखना चाहते हैं तो कीबोर्ड पर ये फैसिलिटी नहीं है। कीबोर्ड में जब आप ऐसा लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि 2 और बगल में फिर एक 2 लिखा जाएगा, उसके ऊपर में पावर के फॉर्मेट में। ठीक है, इस तरह से नहीं लिख सकते कीबोर्ड से। क्लियर, ये अलग बात है कि आपके पास कोई अलग सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड वगैरह है, तो उसमें सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट की फैसिलिटी दिया गया है लिखने का इस फॉर्मेट में। लेकिन ऐसे जनरली हम लोग जब लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, सी वगैरह, सी प्लस प्लस, इस तरह से जावा, तो उसमें क्या होता है कि सिंपल टाइप करने की फैसिलिटी होती है कीबोर्ड से, और इस वजह से ऐसे नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए सी बनाने वालों ने इस फॉर्मेट का तरीका ढूंढा लिखने का कि कीबोर्ड से कैसे लिखेंगे, जिससे कि कंप्यूटर इस फॉर्मेट को समझे। तो इसके लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में ई कैरेक्टर का इस्तेमाल किया गया। मतलब आप सी में इसको ऐसे लिखेंगे 1.5 और इस तरह से -11, आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, इसी ढंग से आप इसको लिखेंगे सी में तो 1.5 और फिर ई, और फिर लिख देंगे इस तरह से 11 ऐसे। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। तो आप रियल नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ई हो गया एक्सपोनेंशियल के लिए, इधर एक्सपोनेंशियल पार्ट हो गया, और इधर हो गया आपका मैंटिसा पार्ट। तो हम लोग, ठीक है, इसी तरह से रियल नंबर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो आपको ऐसा हुआ ही, और दूसरा इस तरह से ऐसे, या फिर इस तरह से ऐसे, ETC, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर को भी दो ढंग से लिखे जा सकते हैं, मतलब पॉइंट वाला नंबर भी एक सिंपल फ्रैक्शनल फॉर्मेट में इस तरह से लिख सकते हैं, और दूसरा बहुत बड़ा या बहुत छोटा वैल्यू हो तो इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे। और ये फॉर्मेट क्यों बनाया गया, ये फॉर्मेट इसलिए बनाया गया क्योंकि आप इस तरह से कंप्यूटर पे टाइप नहीं कर सकते, इसीलिए सी बनाने वाले ने ये वाला मेथड बनाया जिससे कंप्यूटर इस तरह से पावर के फॉर्मेट में इसको समझे। क्लियर, फिर से याद दिलाते हैं कि कंप्यूटर किस चीज़ को कैसे समझता है, हम वही समझने जा रहे हैं, और इस वजह से सी को हम लोग समझने जा रहे हैं, न कि पढ़ने पढ़ाने जा रहे हैं। क्लियर, ठीक। तो हम लोग देखें न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब न्यूमेरिक डाटा। अब हम लोग देखेंगे नन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट। ओके, नन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट तो हम लोग देखते हैं, नन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट का मतलब वैसा डाटा, वैसा वैल्यू जिसके साथ हम लोग जोड़ घटा, गुना भाग, कैलकुलेशन, इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते।
क्योंकि कंप्यूटर इसका फॉर्मेट, इसका डिज़ाइन, इसका स्टाइल अलग ढंग से समझता है। क्लियर? ठीक। तो नॉन न्यूमेरिक जो वैल्यू जो होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, वो भी कंप्यूटर दो ढंग से समझता है, दो तरीके से उसको भी ट्रीट करता है। तो इसमें एक आ जाते हैं, इस तरह से देखेंगे तो, है ना, कैरेक्टर नॉन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट, और दूसरा हो जाता है स्ट्रिंग। कैरेक्टर और स्ट्रिंग ये दोनों नॉन न्यूमेरिक में आएंगे, मगर इन दोनों में भी इंटरनली बेसिक डिफरेंस है। मतलब ये दोनों को भी कंप्यूटर अलग अलग ढंग से ट्रीट करता है, अलग अलग ढंग से समझता है। ठीक। तो सबसे पहले ये देखेंगे, कैरेक्टर कंप्यूटर सिंगल कैरेक्टर को समझता है। जो सिंगल कैरेक्टर होते हैं उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है, जिससे कंप्यूटर इसको इस टाइप का डाटा, इस टाइप का वैल्यू समझता है, मतलब कि कैरेक्टर टाइप का। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे, ऐसे हमेशा सिंगल कोट में रखेंगे, कंप्यूटर इसको समझेगा कि नॉन न्यूमेरिक डाटा है, इसके साथ जोड़ घटा गुणा भाग नहीं किए जा सकते। ठीक है। जैसे इस तरह से एम लिख दिए, ऐसे आप डिजिट भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 9, मगर उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इस 9 को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत, तो ये हो जाएगा नॉन न्यूमेरिक, मतलब कि कैरेक्टर में आ जाएगा। इसके साथ फिर आप जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर अब इसको अलग स्टाइल से समझ रहा है, अलग ढंग से इसका मेमोरी का फॉर्मेट होगा, इसमें रखने का तरीका होगा। क्लियर? ठीक। तो ये हो गया इस तरह से आपका ETC, और भी जितने होंगे जो सिंगल कैरेक्टर होगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत होंगे, और ये सब कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स कहलाएंगे। सेकंड में हम लोग आएंगे स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को बोला जाता है, मतलब एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स, किसी का नाम, किसी का एड्रेस, इस तरह से एक से ज़्यादा कैरेक्टर को हम लोग इसमें इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन वो सारे कैरेक्टर्स का जो ग्रुप होगा, ठीक है, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, डबल कोट्स में रखेंगे इस तरह से। जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे, राम लिखे, इस तरह से मोहन कुमार लिख रहे हैं, ऐसे डबल कोट में इसको रखना होगा, जिससे कि कंप्यूटर समझे कि ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, और इसलिए इसका स्टाइल अलग है, कंप्यूटर इसका अपने ढंग से स्ट्रिंग के रूप में वो समझेगा। इसी तरह से अगर नंबर को भी अगर लिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो ये भी कंप्यूटर स्ट्रिंग ही समझेगा, और इसके साथ भी आप जोड़ घटा गुणा भाग इस तरह के ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, मगर रिप्रेजेंट किए जाएंगे डबल कोट्स में, जिससे कि कंप्यूटर समझे इस बात को कि कौन कैरेक्टर है, कौन स्ट्रिंग है, क्योंकि कंप्यूटर का समझने का तरीका ये है, सिंगल कैरेक्टर और सिंगल कोड। तो ये हो गया आपका कैरेक्टर कंप्यूटर को समझने के लिए। अगर इसी चीज़ को हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे ये देख रहे हैं, तो फिर ये इस ग्रुप में नहीं रहेगा, फिर ये आ जाएगा इस ग्रुप में, ये हो जाएगा स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को आप जो समझा रहे हैं, समझाने में आप ये स्टाइल इस्तेमाल नहीं किए, आप ये स्टाइल इस्तेमाल कर दिए स्ट्रिंग का, इसलिए कंप्यूटर इसको अब स्ट्रिंग के रूप में समझेगा, क्योंकि जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत डाटा मिलते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर उसको स्ट्रिंग समझता है। क्लियर? तो हम लोग नॉन न्यूमेरिक में देखें कैरेक्टर और देखें स्ट्रिंग। इस तरह से अगर बेसिकली देखा जाए तो कंप्यूटर में जो डाटा होते हैं वो कितने प्रकार के हो गए। तो कंप्यूटर में जो डाटा होगा वो इंटीजर होगा, रियल होगा, चाहे वो कैरेक्टर होगा, चाहे वो स्ट्रिंग होगा, इतना तरह के डाटा हम लोग कंप्यूटर में फीड करेंगे। क्यों करेंगे?
क्योंकि इसका प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, ठीक है, इस पर काम करना चाहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर इसको इनपुट करना चाहते हैं, है ना। और इस तरह से ये सारा डाटा को कंप्यूटर अपने अपने ढंग से अलग अलग स्टाइल से ये सब को रखेगा, अलग अलग ढंग से इसका मेमोरी का फॉर्मेट होगा और अलग अलग ढंग से इसका प्रोसेसिंग करने का तरीका होगा। क्लियर? ओके, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग को देखना है कि कांस्टेंट जो कि एक टोकन था, उसी ढंग से दो टोकन्स और बचे हुए हैं, एक आपका ऑपरेटर्स हैं और दूसरा पंक्चुएटर्स हैं। तो ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।